हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर हाजिर हैं। क्लास 11 एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या क्या एप्लीकेशंस और कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो चार एप्लीकेशंस हैं। हम कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में चारों की चारों एप्लीकेशंस को हम कवर करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और वैसे भी ये दो चैप्टर एरर एनालिसिस एंड डायमेंशनल एनालिसिस इस यूनिट के सबसे खास टॉपिक्स में से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन कि हमें कोई भी एक इक्वेशन दे देंगे, डायमेंशनली कोई इक्वेशन दे देंगे और आपसे ये पूछ लेंगे कि इसमें से बताइए किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, या उस फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो उसी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक इक्वेशन दे दीजिए आपको, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब आपको इक्वेशंस में वैल्यूज दे देगा। क्या क्या दे दिया, जो पी है वो प्रेशर दिया हुआ है, वी जो है वॉल्यूम है, वी क्या है वॉल्यूम है, आर गैस कांस्टेंट, और टी क्या है बच्चों टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपने क्या निकालना है, अननोन डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी एंड ऑल्सो फाइंड आउट ए बाई बी। ए बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए और उसके बाद ए और बी को डिवाइड कीजिए। पिछले लेक्चर में लास्ट में हमने एक बात एक्सप्लेन की थी कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटीज प्लस में और माइनस में दे रखी हैं, तो वहां डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना या उस फिजिकल को, वो फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। यहां पर भी आप देख सकते हो, देखिए ये क्या दिया हुआ है, प्रेशर, ये क्या है बच्चों वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम, ये दो कांस्टेंट है, अननोन कांस्टेंट ए एंड बी, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने फाइंड आउट करना है। आर क्या है गैस कांस्टेंट और टी क्या है बच्चों टेम्परेचर है। आप अगर देखें ध्यान से तो कई बार देखो हमारे पास, हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहला रूल तो यही है डायमेंशनल फॉर्मूला का कि जो भी दो फिजिकल क्वांटिटी आपने लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में लिखी है ना, उन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये रूल है। ठीक है, तो कई बार हम क्या करते हैं, उसी फॉर्मूले से इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और नहीं कर पाते, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान है। ये बात ध्यान में रखिए हमेशा, जब भी कोई फिजिकल क्वालिटी प्लस और माइनस में दे रखी है वो क्वेश्चन बहुत आसान दे दिया। इसका मतलब आपको क्यों दे दिया, क्योंकि अगर ये प्रेशर है तो बच्चों प्रेशर में आप क्या ऐड कर सकते हो, प्रेशर ही ऐड कर सकते हो। तो अगर ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ए अपॉन वी स्क्वेयर भी किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। और वी क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में से क्या सबट्रैक्ट कर सकते हो बच्चों, वॉल्यूम ही कर सकते हो। इसका मतलब बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम को। यही बात ए और बी निकालने थे, उसकी वैल्यू यहां से अपने आप आ जाएगी। अब ए क्या लिखा, प्रेशर, तो ए अगर आपने प्रेशर लिखा है तो बच्चों ए को लिखा ए ए बाई वी स्क्वायर प्रेशर लिखा है, तो ए, V क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने कल बताया था क्या होता है, एल क्यूब का स्क्वायर कितना आ गया L6। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यहां से A की वैल्यू आ जाएगी एम एल फाइव टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। नाउ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है सामने, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को, और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों एल क्यूब। तो यहां से अगर ए बाई बी निकालें तो ए बाई बी की वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी ए बाई बी की, एम एल फाइव टी रेज टू पावर माइनस टू डिवाइड बाई एल क्यूब। ये निकालना था बच्चों, और ये आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। आपसे ये भी पूछ सकता है आइडेंटिफाई दैट फिजिकल क्वांटिटी, जो ए बाई बी है एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनके कोई भी आई होगी तो उसका आइडेंटिफाई कीजिए, और ये नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई बच्चों एम एल टू टी माइनस टू, जो ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है तो वर्क का होगा या एनर्जी का होगा। तो इसका मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी ए बाई बी आई है वो या तो वर्क आया है या क्या आई है बच्चों, एनर्जी आई है। आई होप समझ में आया होगा आपको। एक क्वेश्चन और करते हैं उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखा बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। मान लेते हैं आपको इक्वेशन दे दी एफ इज इक्वल टू, और सिंपली कैसे एफ इज इक्वल टू ए टी डिवाइड बाई बी टी स्क्वायर, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर डिवाइड नहीं प्लस बी टी स्क्वायर। फाइंड आउट, अगेन फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, वेयर एफ इज फोर्स एंड टी इज टाइम। ये आपको गिवन होगा, इन डायमेंशनल फॉर्मूला में कुछ
फिजिकल क्वांटिटीज आपको गिवन होंगी और कुछ का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वही फिजिकल क्वांटिटी राइट हैंड साइड में होगी। दूसरी बात, अगर प्लस या माइनस उसमें है फिजिकल क्वांटिटीज में, तो जो फिजिकल क्वांटिटी ये होगी वही फिजिकल क्वांटिटी ये होनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए आप, और इसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो इक्वेशन दे दी आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, फोर्स है, क्लियर है, नो डाउट। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर फोर्स है तो फोर्स के बराबर में हम क्या रखेंगे, फोर्स को ही रखेंगे। तो ये भी क्या है बच्चों, फोर्स है। ये फोर्स कब आया होगा, जब फोर्स के अंदर फोर्स जुड़ा होगा। इसका मतलब ए टी, ए इंटू टी, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, फोर्स बाई टाइम, और फोर्स का फॉर्मूला है एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई टी, दैट इज एम एल टी माइनस थ्री। नाउ व्हाट इज बी, बी आ जाएगा बेटे, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। अगेन दिस इज फोर्स बी टी स्क्वायर, हमें चाहिए बी, तो बी आ जाएगा एफ डिवाइड बाई टी स्क्वायर, एफ डिवाइड बाई टी स्क्वायर, और ये रिजल्ट आएगा बच्चों एम एल टी माइनस फोर। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। कुछ भी नहीं है, हमें ज्यादा कोई लंबा चौड़ा काम करना ही नहीं है बच्चों, आपके सामने है कि क्या पता। मैं बार बार कह रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले ये देखिए, कोई फिजिकल क्वांटिटी में समेशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं है। जहां भी समेशन या सब्ट्रैक्शन होगी तो पक्की बात है जिनके बीच में समेशन है या सब्ट्रैक्शन दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक ही डायमेंशन की होंगी, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला की होंगी। और जो उन दोनों के सम, जो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला है, इनके सम का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही आएगा। जैसे L में अगर L जोड़ोगे तो L ही आएगा, तो अगर फोर्स में अगर फोर्स ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, फोर्स ही मिलेगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर फोर्स है तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगी, फोर्स ही आएगी। ये हमारा केस है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो वहां से हम आसानी से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं तो, और कॉम्प्लिकेट करने के बाद करने का तरीका क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास ये दिया, अगेन वी हैव एन इक्वेशन पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी प्लस प्लस एक्स डिवाइड बाई सी प्लस टी, या इसको कुछ और मान लीजिए बच्चे, यहां पर इसको डी मान लेते हैं। ये कोई इक्वेशन दे दी बच्चों, देर इज एन इक्वेशन इन विच प्रेशर इज इक्वल टू, पी क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी इज इक्वल प्लस डी अपॉन सी प्लस टी। देन फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी सी एंड डी। आप देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, कि वेरिएबल तो हमारे पास फोर अननोन क्वांटिटी है, देयर आर फोर अननोन क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ ऑल दोज फोर क्वांटिटीज। उसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखें आप, पी क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, प्रेशर है। पी अगर प्रेशर है तो ये पूरा क्या होगा बच्चों, ये पूरी क्वांटिटी। अगर लेफ्ट हैंड साइड प्रेशर है तो राइट हैंड साइड भी प्रेशर होगी, राइट हैंड साइड प्रेशर होगी तो इसका मतलब ये क्वांटिटी भी प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी और ये क्वांटिटी भी प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये पूरा प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। समझ में आई बात। अब यहां गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, आमतौर पर आप जैसे करोगे, आप ये सोचते हो जैसे x क्या है, डिस्टेंस है, p क्या है, प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया, और x क्या है, डिस्टेंस है, तो यहां किसका आ जाएगा, डिस्टेंस का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इस इक्वेशन को आप सोल्व नहीं कर सकते डायरेक्ट, अगर इसके अकॉर्डिंग इसको इधर लेकर आगे करो, क्योंकि दो वेरिएबल हो गए तो दोनों वेरिएबल को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये प्रेशर है, ये पूरा प्रेशर है, तो ये भी प्रेशर होगा और ये भी प्रेशर होगा। अब इस टर्म को ध्यान से देखो आप, यहाँ एक आंसर छुपा हुआ है आपका, और वो क्या है, ये क्या है, वेरिएबल है x, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है बच्चों, कितना, l, x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, l, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा, l स्क्वायर, क्योंकि x डिस्टेंस है। तो आप ये खुद बताओ, यहां पर इधर ही देखो, ये क्या है, ए स्क्वायर है, और ये क्या है बच्चों, एल स्क्वायर है। तो एल स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो अगर ये फिजिकल क्वांटिटी एल स्क्वायर है तो इसका मतलब ए स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा बच्चों, एल स्क्वायर के इक्वल होगा।
तो ए की वैल्यू यहां से आ गई, कितने आ गई बच्चे, एल आ गई। नहीं आई बात समझ में, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो ए की वैल्यू आ गई एल, ठीक है। अब इस पूरे की वैल्यू क्या बन गई, ये भी सोचने वाली बात है। ये क्या था, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, एल स्क्वायर, तो क्या आएगा, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बच्चों क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस ऊपर वाले को मैं एल स्क्वायर लिख सकता हूं, एल स्क्वायर, नीचे बी निकालना है आपने, ये आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो बच्चों यहां से बी कितना आएगा, बी को ऊपर ले जाइए, बी को ऊपर ले जाइए और इसको नीचे ले आइए, तो यहां आ जाएगा एम माइनस वन, इधर जाके एल टू है और ये इधर जाके बेटे प्लस वन हो जाएगा, तो थ्री हो गया और टी आ जाएगा प्लस का टू। ध्यान से देख ले, बी निकालना था तो बी तो इधर ले गए और ये सारे ले गए उसके नीचे, तो जब ये टर्म नीचे जाएगी तो एम ऊपर जाके नेगेटिव, एल ऊपर जाके पॉजिटिव, तो थ्री हो गया और टी ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, अगर थोड़ी बहुत कमी रहती है वो सेकंड पार्ट से आपको और समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हमने दो अननोन डायमेंशन निकाल लिए हैं, कौन कौन से निकाल लिए, ए और बी। अब निकालते हैं सी और डी। सी और डी निकालने के लिए देखो कहां है, सी और डी इस इक्वेशन में है, तो अगर ये सी और डी यहां मौजूद है तो इसका मतलब है अगर ये आपका एक टर्म है तो अगर आपको पता है ये प्रेशर है तो ये पूरा प्रेशर है, और ये पूरा प्रेशर कब होगा, जब प्रेशर में प्रेशर एड होगा, तो ये पूरी टर्म भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, प्रेशर को। तो इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, डी डिवाइड बाई सी प्लस टी, दैट इज इक्वल टू, क्या लिखूं बच्चों इसको मैं, इसको लिखूंगा मैं प्रेशर। फिर वही बात आ गई, फिर यहां दो वेरिएबल आ गए हैं, एक डी आ गया और एक सी आ गया। डी और सी को निकालने के लिए आपको पता बच्चे दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन से नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक छिपी हुई है इसके अंदर भी। पर वो ट्रिक क्या है, ध्यान से देखो, ऊपर डी है नीचे सी प्लस टी है, टी इज द टाइम, और आपको पता है कि अगर सी इस टाइम के अंदर सी जुड़ा है तो अगर ये टाइम है तो सी भी क्या होगा, टाइम होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, ट्रिक काम कर गई यहां पर भी। तो टाइम में क्या जुड़ेगा, टाइम जुड़ेगा, तो सी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा बच्चों किसके आएगा, टी का आएगा। अब टाइम में टाइम जुड़ गया तो क्या हो गया, नीचे की टर्म को आप टी लिख सकते हो, सो डी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू प्रेशर है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यहां से बच्चों डी की वैल्यू आ जाएगी, टाइम उधर ले जाइए, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी। आपसे ये भी पूछ सकता है बच्चों, किसी को भी पूछ सकता है, फाइंड आउट द और आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी। तो सी आइडेंटिफाई होगी टाइम है, ए आइडेंटिफाई होगी क्या है बच्चों लेंथ है, और डी आइडेंटिफाई होगी क्या है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, कल फॉर्मूला निकाला था, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये क्या है बच्चों, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है। आई थिंक क्लियर होगी ना बात। तो चारों के चारों फॉर्मूला जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए बच्चों, मान लिया यहां दे दिया बच्चों प्रेशर, दिस इज प्रेशर, पी इज द प्रेशर, और पी प्रेशर है, यहां लिख दिया हमने वी नोट डिवाइड बाई अल्फा, वी नोट डिवाइड बाई अल्फा, और यहां लिख दिया ई रेज टू पावर माइनस बीटा इंटू थीटा डिवाइड बाई हम अगर कोई भी टर्म लिख दे यहां पर, इसको टी लिख लीजिए टेम्परेचर बच्चों, टी डिवाइड बाई आर, आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट है। फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे आप डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे उन अननोन पैरामीटर्स का, तो उस केस में आपने ध्यान रखना मतलब किसी भी फंक्शन में जो पावर होती है वो पावर हमेशा डायमेंशनलेस होगी। किसी एंगल, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल दे रखा है वो एंगल भी डायमेंशनलेस होगा। कोई एग्जैक्ट नंबर दे रखा है, नंबर भी डायमेंशनलेस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, वो सारे के सारे क्या बच्चे कॉन्स्टेंट नंबर है, तो कॉन्स्टेंट नंबर का डायमेंशन क्या आएगा, वो डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, किसी भी एक्सपोनेंट किसकी वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। तो ये बच्चों डायमेंशन लेस आ जाएगी, बीटा टी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू वन, डायमेंशन लेस का मतलब हो गया बच्चों वन। तो यहां से बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, तो बीटा आ जाएगा आर डिवाइड बाई टी, R divided by T. What is R? R is the gas constant. और gas constant की unit होती है joule per mole per Kelvin. joule per mole per Kelvin.
आर आपने पढ़ा होगा, गैस कांस्टेंट की जो यूनिट होती है जूल पर मोल पर केल्विन। अब मोल तो क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, फिक्स है, वन मोल जो भी होगा। तो जूल क्या होगा, जूल की यूनिट क्या होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू। और केल्विन, तो केल्विन में ले बच्चों के माइनस वन, एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। ये आ गया वैसे आर का, हमें चाहिए बीटा निकालना है। तो आर तो आ गया एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन डिवाइड बाई टी क्या है, व्हाट इज दिस टी, टेम्परेचर, और इसको लिखे बच्चों किससे, के से। तो ये आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू के माइनस टू, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा। इसका आ गया बीटा का। तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला किस प्रिंसिपल पे निकला, किसी भी फंक्शन की जो पावर होगी वो डायमेंशनलेस होगी, तो डायमेंशनलेस को बंद रखो तो उसमें जो वेरिएबल आएगा उसके अपने आप डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अल्फा निकालोगे तो ये तो बच्चे डायमेंशनलेस होगी सारी की सारी। तो अगर ये प्रेशर है तो ये भी क्या है बच्चों, प्रेशर है। और वी नोट आपको यहां दे रखा बच्चों गिवन है वॉल्यूम, वी नोट जो है वो वॉल्यूम है। तो प्रेशर अगर हमारे पास देखें तो प्रेशर क्या आएगा, अगर मैं इसको यहां दिखाऊं, प्रेशर लिखेंगे एम एल माइनस वन P माइनस टू इज इक्वल टू वॉल्यूम को लिखोगे बेटे एल क्यूब डिवाइड बाई अल्फा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर ले जाइए बाकी टर्म नीचे ले जाइए। तो एम माइनस वन एल वन माइनस का ऊपर जाके प्लस का एल फोर टी माइनस के टू, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों आ जाएगा। एक बार चेक जरूर कर ले बच्चे, हो सकता है कहीं छोटी मोटी ऊपर नीचे करने में कुछ गलती हो सकती है। m माइनस वन हो जाएगा, l फोर हो जाएगा और टी टू हो जाएगा, टी प्लस टू आएगा, क्योंकि देखा टी प्लस टू आएगा क्योंकि ये ऊपर चला गया ये नीचे आ जाएगा, तो अल्फा निकाल दिया। ठीक, एक और आप लगे हाथों देख सकते हैं, जैसे उसमें क्या है, मान लिया इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपसे पूछ लिया फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए अननोन क्वांटिटी ओमेगा एज के, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिए कितना आएगा, क्लियर है। दूसरा पॉइंट, टी टाइम दे रखा है, एक्स डिस्टेंस दे रखी है, वाई क्या दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले तो बच्चों ए का बताओ क्या आएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा, सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। तो ये होगी बच्चों डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, लेंथ का है, तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी क्या आएगा, लेंथ का आएगा। तो बच्चों अगर ये लेंथ है तो ये भी क्या आएगी, लेंथ आएगी। तो इसका मतलब ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, एल आर, क्लियर होगी बात। अब ओमेगा का क्या निकालोगे, अगर ये पूरा फंक्शन ही डायमेंशनलेस है तो उसका एंगल, और एंगल आपको पता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो ये भी क्या आएगी बच्चों, ओमेगा टी भी क्या आएगी, डायमेंशनलेस आएगी। और के भी क्या आएगी, के एक्स भी क्या आएगी, डायमेंशनलेस आएगी। ये टी वेरिएबल है तो यहां से ओमेगा आ गया बच्चों वन बाई टी, और यहां से के की वैल्यू आ जाएगी वन बाई एक्स। तो इसको लिख देंगे टी माइनस वन और इसको लिख देंगे एल माइनस वन, ये हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला आ गए। याद रखें, कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि इक्वेशन दे दी आपको और आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, इसमें कौन सी इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है। तो उसमें आप ऐसे चेक करोगे उसमें, फिर कैसे, ये देखो ये आपने रूल ध्यान रखना है कि ये आपका फंक्शन जो है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो एंगल भी डायमेंशनलेस होगा। क्या डायमेंशनलेस एंगल हो रहा है, अगर मान लो बच्चों यहाँ के दे देता और यहाँ क्या देता, ओमेगा दे देता, तो जो k है एक्चुअली में k का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास l माइनस वन आ गया, और यहाँ क्या था बच्चों t था, तो ये कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे। यानी इसका डायमेंशन अगर t है तो पक्की बात है इसका डायमेंशन t माइनस वन आएगा, ताकि दोनों मिलकर डायमेंशनलेस बनाए। इसका डायमेंशन l है तो इसका डायमेंशन l माइनस वन आएगा, ताकि दोनों क्या कर दें, दूसरे को कैंसिल आउट कर दें और डायमेंशन लेस हो जाए। तो उम्मीद है बच्चों इसमें आपको काफी सारे जो पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। दो मेन बातें ध्यान रखनी है, जो फिजिकल क्वांटिटी आपको नॉन है, जैसे प्रेशर है, अगर प्रेशर के प्लस में कोई क्वांटिटी दे रखी है तो वो भी प्रेशर ही होगी, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ऐड हो सकता है, वॉल्यूम में से वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वॉल्यूम में वॉल्यूम जुड़ सकता है। तो यहाँ पर
ये क्या आएगा बच्चों, वॉल्यूम आएगा। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड की जा सकती हैं, लेकिन एड और सम उन्हीं का होगा जो फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन की होती है। ये बात आपने नोट करनी है, ये ध्यान रखें, ये इसके अंदर बड़ी आपकी हेल्प करेगा। एक मैंने बताया किसी भी फंक्शन का जो पावर होगा वो पावर हमेशा डायमेंशनलेस आएगा, पावर विल ऑलवेज बी डायमेंशनलेस, ठीक। और एक मैंने आपको बताया, एक टर्म जो मैंने बताई आपको कि जो एंगल होगा साइन का, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डायमेंशनलेस होंगे और उनका जो एंगल है कोरस्पोंडिंग एंगल वो भी क्या आएगा बच्चों, वो भी डायमेंशनलेस आएगा। क्लियर होगी बात। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। सेकंड एप्लीकेशन हम करते हैं इसकी। अब सेकंड एप्लीकेशन बेटे, हाउ वी कैन डिराइव ए रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। मान लिया हमारे पास एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया बेटे, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव वी मे डिपेंड्स अपॉन देयर वेवलेंथ लैम्डा एंड डेंसिटी रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। द मेथड ऑफ डायमेंशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज एज। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। आपको क्या कह दिया बेटे, वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो दे रखी है कितनी, v। जो v है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। फाइंड आउट द डायमेंशनल रिलेशन बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमें इसने हिंट दे दिया कि जो वेलोसिटी है बेटे वो तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा पे, एक डेंसिटी पे और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो वो हमारे जो फिजिकल क्वांटिटी है अगर वो डिपेंड कर रही है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज पे, लेकिन ये नहीं पता कोई डिपेंड कैसे कर रही है, तो उसको आप लिख सकते हो पावर ए, इसकी पावर मान लेते हैं बी और इसकी पावर मान लेते हैं बच्चों सी। दिस इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन इज द वेलोसिटी और मास बच्चे इसमें क्या है, जीरो है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, कोई भी कॉन्स्टेंट लोगे डायमेंशनलेस होगा, छोड़ दीजिए। लैम्डा इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों एल। डेंसिटी रो, रो का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल माइनस थ्री, इसकी पावर हो रही है बच्चे बी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देयर इज द थर्ड केस, एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज सी। अब इसको अगर हम फाइंड आउट करें तो यहां से एक बार दोबारा लिखें इसको, एम जीरो एल टी माइनस वन इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा एम रेज टू पावर बी। देखो एम की पावर इकट्ठी करेगा, एम अकेला है यहां पर, एम रेज टू पावर बी आ जाएगा। उसके बाद एल की पावर इकट्ठी कीजिए, एल की पावर कितनी है यहां पर ए, यहां कितनी है माइनस के थ्री बी और यहां कितनी है प्लस सी। तो मैंने सारे के सारे एल की पावर इकट्ठी कर दी, एल की पावर आ गई ए माइनस के थ्री बी प्लस सी और साथ में आ गया बच्चों टी, टी की पावर आ जाएगी केवल, ना यहाँ टी है ना यहाँ टी है, केवल यहां पर टी है, तो टी की पावर आ जाएगी माइनस के टू से। अब क्या कीजिए, पावर्स को कंपेयर कर दो, इधर पावर बी है एम के साथ कंपेयर कीजिए, तो बी की वैल्यू आ गई बच्चों जीरो, बी की वैल्यू क्या आ गई जीरो, ध्यान से देखें आप। उसके बाद एल, एल है हमारे पास ए माइनस थ्री बी प्लस सी, ये क्या है बच्चे, ये दे रखा है 1k, इधर की l की पावर इस साइड के l की पावर से कंपेयर कर दीजिए, ये दे रखा है 1। और तीसरा दे रखा है माइनस के 2c इज इक्वल टू, t की पावर यहां इतनी है, यहां t की पावर माइनस 1 है, इन दोनों को बैलेंस कर दीजिए, यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2। c की वैल्यू और b की वैल्यू यहां पुट कर दो, a माइनस b की वैल्यू 0 प्लस c की वैल्यू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1, यहां से बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आपके पास जो ऑप्शन दे रखे थे उनको आप ध्यान से देखिए, तो बी आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की पावर ए, ए की पावर बच्चे 1 बाई 2, स्पीड सी जो सी कांस्टेंट है जी, जी की वैल्यू दे रखी है 1 बाई 2 और रो है बी, बी की वैल्यू बच्चे जीरो, इसका मतलब इसमें से रो गायब हो गया। हमारे पास बच गया वी इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैंने बताया था कांस्टेंट, आप जो लिखना चाहो लिख दीजिए, लैम्डा इंटू जी स्केयरिंग बोथ साइड, तो यहां भी स्केयर आएगा, दिस इज द आंसर, ये ऑप्शन आपका आंसर में रहेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन बच्चे हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर पी, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टेकन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी तीन दे दी हमारे पास, प्रेशर, वेलोसिटी और थर्ड है बच्चों टाइम, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी दे दी, जैसे लेंथ मास और टाइम थी, मान लेते हैं अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता, मींस
अगर ये फंडामेंटल है और आपको पता है जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी बनेगी फंडामेंटल से बनेगी, अगर आपने ये फंडामेंटल दे रखी है इसने, तो इसका मतलब हमारा फोर्स जो है वो इन फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में आना चाहिए, तभी तो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी ना वो। तो मान लेते हैं हमारा जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है प्रेशर की पावर ए पर, वेलोसिटी की पावर बी पर और टाइम की पावर सी पर, इन पर डिपेंड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से हम क्या रिलेशन बनेगा देखिए, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैंने कहा था डायमेंशनलेस होता है, इसको छोड़ दो बेसिक से, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, ये डायमेंशनलेस है, प्रेशर एम एल माइनस वन टी माइनस टू इसकी पावर ए, वेलोसिटी की पावर कितनी आ गई बच्चों, वेलोसिटी की पावर आ गई बी और टाइम की पावर आ गई बच्चों सी। ध्यान से देख ले, प्रेशर की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी और टाइम की पावर सी। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इफ प्रेशर, वेलोसिटी एंड टाइम आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कंसिडर्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज, नॉट इन टर्म्स ऑफ एम एल एंड टी, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टाइम। कैसे निकालोगे प्रेशर वेलोसिटी एंड टाइम, सो वी वेलोसिटी है तो कंपेयर कीजिए बेटे दोनों को, तो एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा एम रेज टू पावर ए, एम रेज टू पावर ए, नेक्स्ट आ जाएगा एल माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी एल कंप्लीट, टाइम आ जाएगा बच्चों माइनस टू ए माइनस बी माइनस सी, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए की वैल्यू आ गई बच्चों वन यहां से, उसके बाद माइनस ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों वन, और उसके बाद माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के टू। ए की वैल्यू वन आ गई, ए की वैल्यू वन पुट करो इसके अंदर तो बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों टू, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू यहां पुट कर दो माइनस टू, माइनस बी की वैल्यू रख दो टू, प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू से माइनस टू कैंसिल आउट, तो सी की वैल्यू आ गई बच्चों टू। तो हमारे पास एक्सप्रेशन फिर से वही बन रहा है, ये ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू वन, माइनस ए प्लस बी की वैल्यू आ गई बच्चों वन, तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी टू, ए की वैल्यू वन पुट कर दी, बी की वैल्यू टू पुट कर दी, माइनस फोर, उस टाइम जाके हो जाएगा प्लस, तो आंसर बन गया हमारा क्या बना आंसर, आंसर की वैल्यू आ गई हमारे पास पी वी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। तो ऑप्शंस कौन सा है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन बेटा इसका हमारा बन जाएगा फोर्स की वैल्यू, यहां पुट करेंगे आप तो आ जाएगी, देखो ए की वैल्यू वन आई, बी की वैल्यू टू, सी की वैल्यू टू, वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू टू और सी की वैल्यू भी, ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा फोर्स के लिए। ये एक टाइप अलग थी, इसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था, डायमेंशनल रिलेशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चे एक बात मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला से आप, मैं ये लिमिटेशन बता रहा हूं ध्यान से नोट करें, क्योंकि लिमिटेशन पे ही कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, जो ऑप्शन टाइप है वहां का आप कैसे अप्लाई कर पाते हो। कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जैक्ट रिलेशन की गारंटी नहीं देता कि हमारा फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, एग्जैक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए मैं देता हूं आपको, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चे वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मास के ऊपर, और एक डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर, वी के ऊपर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एम की पावर ए और वी की पावर बी, हम कंपेयर करते हैं ठीक है, और कंपेयर करके फॉर्मूला निकालने डिराइव करने की कोशिश करते हैं भी काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, एम की वैल्यू कितनी आई बच्चे वन, ए और वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन, बी से मल्टीप्लाई करोगे तो एल की पावर बी और इसकी पावर माइनस बी। कंपेयर कीजिए, ए की पावर आ गई बच्चों, ए की पावर आ गई वन और बी की पावर आ गई टू। जब ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो जो हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलेगा, वो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, एम की पावर वन और वी की पावर टू। यानी इस डायमेंशनल एनालिसिस से हम केवल इतना पता कर सकते हैं
कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है मास के पावर 1 पे और वेलोसिटी की पावर 2 पे, बल्कि कभी भी ये नहीं बताएगा कि हमारा जो एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर है. दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट न्यूमेरिकली इनकरेक्ट. और ये अगर आप रिलेशन लिखते हो काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला बच्चे ये फॉर्मूला डायमेंशनली भी करेक्ट है और न्यूमेरिकली भी करेक्ट है. बात समझ गए ना मेरी? डायमेंशनल एनालिसिस का जो कंसेप्ट है वो दो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में डायमेंशनली एक रिलेशन तो क्रिएट कर देता है, लेकिन कभी भी वो क्या नहीं करता बच्चों, न्यूमेरिकली सही होगा इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं देता. एक तो ये लिमिटेशन थी. एक लिमिटेशन इसकी और खास थी, और वो लिमिटेशन क्या है, वो ये थी. मान लिया हमारे पास इक्वेशन, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है. एक आपने पढ़ी बेटे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक आपने पढ़ी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस. इन इक्वेशंस को हम डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशनली. जिन इक्वेशंस के बीच में प्लस माइनस का एक्सप्रेशन में आता है जब वो रिलेशन लिखते हो फिजिकल रिलेशन, और उनमें बीच में प्लस माइनस बचवा जाता है, वी कांट डिराइव दैट रिलेशन. उस रिलेशन को हम डिराइव नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा प्लस कहाँ आएगा और माइनस कहाँ आएगा. हाँ, ये इतना जरूर बता देगा, ये अगर डिस्टेंस है डिस्टेंस आएगी, ये चेक करो डिस्टेंस है या नहीं है. ये क्या है? स्पीड. स्पीड होती है एल टी माइनस वन, और टी क्या है बच्चों? टाइम. टी माइनस वन से टी कट गया, आ गया एल. प्लस 1/2 का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता. ए क्या है? एक्सलरेशन. एक्सलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों एल टी माइनस टू. एल टी माइनस टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर. टी स्क्वायर से टी माइनस टू कैंसिल आउट, क्या बच गया? एल. और मैंने बताया था लेंथ प्लस लेंथ क्या होता है? लेंथ ही होता है. इसका मतलब ये रिलेशन को डायमेंशनली तो ये चेक कर देगा कि आपका रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है ना. ये नहीं बता पाएगा कि आपका रिलेशन न्यूमेरिकली करेक्ट है या नहीं है. मेरी बात समझ में आ गई ना? अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द रिलेशन शिप पी इक्वल टू अल्फा बाई बीटा ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा जेड के थीटा. पी प्रेशर है, जेड इज द डिस्टेंस, के इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, थीटा इज द टेम्परेचर. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा निकालना आप. तो हमें बच्चों क्या दे दिया? पी दे दिया. पी इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा ई रेस टू पावर माइनस अल्फा जेड डिवाइड बाई के थीटा. फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा बीटा. याद रखें, ये जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, वेरिएबल फंक्शन कोई भी हो चाहे, अगर वो पावर में दे रखा है तो उसकी जो पावर होती है बच्चों वो डायमेंशनलेस होती है, और फंक्शन भी क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा, ठीक है ना. तो यहां अगर हम देखें इसको, तो E क्या है? E डायमेंशनलेस फंक्शन होगा, क्योंकि E है और E एक कॉन्स्टेंट नंबर होता है. एक्चुअली में हम देखें तो E की वैल्यू 2.71 होती है फिक्स, तो ये डायमेंशनलेस है. इसकी पावर भी क्या हो गई? डायमेंशनलेस हो गई. तो इसकी पावर अल्फा जेड डिवाइड बाई के थीटा इज इक्वल टू 1. हमें निकालना है अल्फा, तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा के थीटा डिवाइड बाई जेड. व्हाट इज के? के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का और गैस का आपस में रिलेशन है गैस कांस्टेंट का, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आएगा वही बच्चों किसका आएगा? गैस कांस्टेंट का ही होता है. नॉर्मली सेम ही होते हैं दोनों, मोल का फर्क पड़ता है इसमें. तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जैसे गैस पर जूल पर केल्विन पर मोल, तो ये आ जाए जूल पर केल्विन. अगर हम डिफाइन करें इसको के को, तो जूल एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू पर केल्विन. केल्विन को लिखेंगे बच्चों के माइनस वन से. थीटा इज टेम्परेचर, टेम्परेचर को लिखेंगे के से. डिवाइड बाई जेड, जेड मीन्स जेड कोऑर्डिनेट, दैट इज एल. सो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहां से के कैंसिल आउट, एल से एल. दिस इज एम एल टी माइनस टू, दिस इज अल्फा, ठीक है. अगर ये पता चल गया अल्फा, अब देखो ये तो डायमेंशनलेस टर्म है, इसका मतलब अगर ये प्रेशर है तो ये पूरी क्वांटिटी भी क्या होगी? प्रेशर होगी. लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर है तो राइट हैंड साइड में भी क्या होगा? प्रेशर होगा. सो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों एम एल माइनस वन
टी माइनस टू, मैं बार बार कह रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला रिवाइज करते रहें आप ताकि आपकी जुबान पे आ जाए और फटाफट आप जो भी क्वेश्चन हो और आंसर कर सकें, आपको कैलकुलेटर ना करना पड़े। अल्फा क्या दे दिया बच्चों, अल्फा दे दिया एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई बीटा, बीटा निकालना है तो बीटा आ जाएगा बच्चों यहां से एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो गया बच्चों इसके साथ कैंसिल आउट, टी माइनस टू से टी माइनस टू कैंसिल आउट, सो हेंस द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा इज एल स्क्वायर, सो एम नॉट एल स्क्वायर टी नॉट, ये अच्छे हमने दे रखा था। ऑप्शंस देखिए क्या क्या दे रखे थे इसके, एक ऑप्शन था एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो, सेकेंड था एम जीरो एम एल टी क्यूब टी एम एल जीरो टी माइनस वन, और एक था बच्चों एम जीरो एल क्यूब टी माइनस वन, तो कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और ये करके देखते हैं, अगर हमें y दे दिया बच्चों, y दे दिया, y इज इक्वल टू, इज y इज गिवन, गिवन दैट y a इज इक्वल टू a sin 2 pi by lambda ct minus x वेयर y एंड x आर मेजर्ड इन द मीटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी, ये आपने बताना है, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, मैं इसको लिख देता बच्चों a sin ब्रैकेट 2 pi by lambda minus ct minus 2 pi by lambda, ये कॉमन है, अंदर बच्चों ct minus x, ct minus x लिख सकते हैं, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट इसने बोला है फर्स्ट में, फर्स्ट ऑप्शन यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स एंड ए, यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स बट नॉट ए, यूनिट ऑफ सी इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा, यूनिट ऑफ सीटी माइनस एक्स इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा, काफी सारे आपने इसने पूछी है, कहता है जो डायमेंशन वाई का होगा वही ए का होगा और वही सी का होगा, क्या ये बात सही है, इसको चेक करने के लिए आप ये ध्यान से देखिए, ये ct minus x जो बच्चे दे रखा है आपको, आपको पता है कि ये पूरा फैक्टर क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस, 2 pi by lambda, lambda is the wavelength, ये आ गया बच्चे 1 by l, यहां जाएगा 1 by l, c का हमें पता नहीं है और t क्या है, कैपिटल t है, ठीक है, तो यहां से आप निकालना तो l minus 1 t कुछ बनेगा, तो ये जो c है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t के और इसके उल्टा आना चाहिए ताकि क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो c क्या है, x 2 pi by lambda into x, तो lambda किस में है, L में है, तो x भी किस में आएगा बच्चों, L में आएगा, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, तो यहां से आप कंपेयर कर सकते हो कौन सा आंसर सही है, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला था बच्चे इसने, फर्स्ट ऑप्शन बोला है यूनिट ऑफ lambda is same as that of x and a, lambda की यूनिट जो यूनिट x की है और जो यूनिट a की बराबर होगी, अब चेक करते हैं a की यूनिट क्या है, ये सारा का सारा डायमेंशन लेस है इस साइड वाला फंक्शन, तो y की जो यूनिट होगी वही a की आएगी, y डिस्प्लेसमेंट तो a की यूनिट में क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, उसके बाद 2 पाई बाय लैम्डा, कहता लैम्डा और एक्स की क्या आएंगी, सेम आएंगी, जैसे आप 2 पाई बाय लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स ऊपर आएगा और लैम्डा नीचे आएगा, तो दोनों की यूनिट या डायमेंशन का सेम होना जरूरी है ताकि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दें और ये एंगल क्या बन जाए, डायमेंशन लेस, इसका मतलब लैम्डा का एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, किसके इक्वल, लेंथ के इक्वल, और ये भी किसी को ले बच्चों, लेंथ के इक्वल, इसका मतलब तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन अगर हम करके देखें, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आपके घर के लिए देंगे, मान लिया हमारे पास एक यूनिट दे दी, इस तरह से दे दिया कि एक एक फिजिकल क्वांटिटी है, एनी फिजिकल क्वांटिटी लाइक एनर्जी, एनर्जी इज मेजर्ड इन एसआई सिस्टम, एक एनर्जी जो है बच्चों एसआई सिस्टम में मेजर की जा रही है 100 जूल, कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू अ न्यू सिस्टम, कौन से सिस्टम में, इन दैट सिस्टम मास इज मेजर्ड इन 10 केजी, लेंथ इज मेजर्ड इन 10 सेंटीमीटर और टाइम इज मेजर्ड इन 1 मिनट, ये M1 ये L1 और क्या होगा बच्चे, 1 की जगह 2 लिख लीजिए क्योंकि ये तो हमें गिवन है M2 L2 T2, तो कल हमने ये जो इसे जो लेक्चर पिछले इसमें जो लेक्चर में ही हमने पहले थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि जो आप N2 निकालना चाहते हो वो आएगा बच्चों N1 मल्टीप्लाई M1 बाई M2 की पावर A, अब इसकी पावर क्या बनेगी वो कौन डिसाइड करेगा वो देखेंगे हम, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर
सी, मैंने किसी की भी पावर नहीं लिखी, पावर डिसाइड करेगा ये 100 जूल, और 100 जूल 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 मींस एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है जो ML2T-2, यानी एम की पावर 1 है, एल की पावर 2 है, और टी की पावर कितनी है, -2 है। इस टाइप से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो कैसे रिजल्ट निकलेगा, देखिए यहां से N2 इज इक्वल टू N1 दे दिया बच्चों 100, मास इसमें है M, इस जूल के अंदर किलोग्राम में था क्योंकि SI सिस्टम है, जबकि M2 में मास किसमें दे रखा बच्चों 10 kg में। नेक्स्ट है लेंथ दे रखी है ऊपर किसमें, मीटर में, और नीचे लेंथ किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में, कितने सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी पावर आ जाएगी बच्चों 2। टाइम ऊपर किसमें है, मिनट में, सेकंड में, और नीचे किसमें बैठे 1 मिनट में, इसकी पावर आ जाएगी -2। अब देखिए 100, ये आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1, आपको पता बच्चों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 बच जाएगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या तो इसको मीटर में बदल लो या इसको सेंटीमीटर में, एक ही बात है। और इसको 1/1 मिनट में 60 सेकंड्स -2 पावर, तो इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, 100 मल्टीप्लाई बाई 1/10 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1/60 की पावर -2 से ले जाएगा तो 60 × 60, तो ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों इसके साथ, तो ये कुछ इस तरह से बचा 3600 × 10 36,000 1, 2, 3, 4, 5, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और ये नया सिस्टम है, तो इस नए सिस्टम के लिए आप ऐसा नहीं कि इसको अलग लिख दोगे, अब ये कोई नए सिस्टम है, नया क्योंकि पैरामीटर सारे नए लिखे थे हमने, तो इसलिए आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3.6 × 10⁻⁶ यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी, जो 100 जूल की थी, किस में थी 100 जूल की, SI सिस्टम में थी, कन्वर्ट किस में करना था, एक ऐसे सिस्टम में जिसमें मास किस में है 10 केजी में, लेंथ किस में है 10 सेंटीमीटर में, और जो टाइम है बच्चों स्टैंडर्ड टाइम को किस में माप रहे हैं 1 मिनट में, तो वहां से हमारे पास ये आंसर निकल के आएगा। तो उम्मीद है बच्चों इससे न्यूमेरिकल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी है आपको समझ में आई होंगी अच्छे से, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से आगे मतलब चेकआउट कर लेंगे, ये बड़ी हेल्प करता है। कई बार आप देखना आगे, कई बार ऐसा न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है बच्चा जिसका स्टेटमेंट बहुत लंबी है, काफी कुछ बातें घुमा फिरा के कह रखी है, और एग्जाम में कई बार टाइम होता नहीं हमारे पास कि उसको हम सोल्व आउट करें, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज करते हैं, कई बार बड़ा आसान हो जाता है वो, सभी के सभी जो पोर ऑप्शन दे रखे हैं उन, जैसे मान लिया आपको स्ट्रेस निकालनी थी, मान लिया या फोर्स निकालना था, बड़ी सी लंबी सी स्टेटमेंट थी, तो सबसे पहले तो चार ऑप्शन बचे, एक बार ये जरूर चेक कर लीजिए कि चारों के डायमेंशन फोर्स के हैं या नहीं है, अगर यूनिट या डायमेंशन उसके फॉर्मूले, जो फॉर्मूला उसने ऑप्शन में दे रखे हैं उसका फोर्स का डायमेंशन ही नहीं बन रहा है, तो वो तो अपने आप ही आंसर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो ये बड़ी हेल्प करता है। जैसे ये दे दिया T=2π√LπG, मान लो ये दे दिया बच्चों, कहता है इसको चेकआउट कीजिए कि फॉर्मूला सही है नहीं है, डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं डायमेंशनल फॉर्मूला से केवल आप किसी भी स्टेट जो फिजिकल रिलेशन है उनकी आप केवल और केवल डायमेंशनल करेक्टनेस देख सकते हो, न्यूमेरिकल करेक्टनेस डायमेंशनल फॉर्मूला कभी भी नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो हो सकता है एक फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो, तो हो सकता है बच्चे वो न्यूमेरिकली करेक्ट ना हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो रिलेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, रिलेशन का एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो डायमेंशनली करेक्ट हो, डायमेंशनली तो करेक्ट होना ही चाहिए, तब तो रिलेशन तो एग्जिस्ट कर गया, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा उसके लिए उसका न्यूमेरिकली स्टेट जो उसका है सही होना भी बहुत जरूरी है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो उसे, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्म होता है टी, टाइम पीरियड इज टी, टाइम हो गया, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में एल देखा और जी देखा, एल इज द लेंथ और जी क्या है बच्चों, जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एल लेंथ अगर आपने ले लिया तो एल को कैपिटल एल से लिखोगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिखोगे आप एल टी माइनस टू, ये वैल्यू यहां पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में बच्चों जब ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, 1/2π का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, 2π जो भी 1/2π से देखा है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता जो भी देखा है, ठीक है। और ये आ जाएगा अंडर द रूट एल, ऊपर आ गया एल है तो इसका मतलब उसको लिखेंगे कैपिटल एल, और नीचे आ जाएगा जी, वो आ जाएगा एल टी माइनस टू, एल से एल कैंसिल आउट, ऊपर जाके बच जाएगा टी,
तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएंगे, हमेशा बराबर आएंगे। तो इसका मतलब अगर ये बराबर है, ये जो रिलेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, सही है या नहीं है वो एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन क्या कहेंगे इसको हम, इस रिलेशन को हम ये कहेंगे कि ये रिलेशन जो है बच्चों ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो कई बार ऑप्शन में ऐसे देता है, आपको एक फॉर्मूला दे दिया t = 2π √L/g, ऑप्शन दिया डायमेंशनली करेक्ट, न्यूमेरिकली नॉट करेक्ट, डायमेंशनली इनकोरेक्ट, तीसरा दे दिया डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली बोथ इनकोरेक्ट, और फोर्थ दे दिया आपने डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली बोथ करेक्ट। तो ऑप्शन आपने चेक करना कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो जब न्यूमेरिकली जब बात आ जाती है तो इसका मतलब तो आपको उस फॉर्मूले का ध्यान होना चाहिए कि फॉर्मूला था क्या एक्चुअली में। आप उस फॉर्मूले को अगर अपने सिलेबस में यूज कर चुके हो ना तो पक्का पूछेगा इस टाइप का कि आपको बच्चे को इसका न्यूमेरिकली भी पता है या नहीं है कि फॉर्मूला सही या नहीं है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकली भी सही है और डायमेंशनली भी सही है, इसका मतलब ये कंप्लीट रिलेशन जो है बच्चे वो एग्जैक्ट है और सही है, क्लियर। ये था। अब एक बार जैसे मैंने बताया डिराइव रिलेशन कैसे डिराइव करते हैं, तो रिलेशन डिराइव करने के लिए जो आप रिलेशन फिजिकल क्वांटिटी ले रखी हो कैसे निकालोगे बच्चे, तो मान लेते एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे v इज द रेट फ्लो, v क्या है बच्चों, रेट फ्लो है। रेट फ्लो का मतलब होता है, रेट फ्लो का मतलब है कि वॉल्यूम पर सेकंड, मतलब जो फ्लूड फ्लो कर रहा है या लिक्विड फ्लो कर रहा है वो पर सेकंड कितना फ्लो कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे वॉल्यूम एल थ्री और सेकंड आगे बच्चों टी माइनस वन। तो इस तरह से हम इसको वॉल्यूम पर सेकंड का रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लूड फ्लो या रेट फ्लो। तो रेट फ्लो का मतलब ये होगा, ध्यान रखना। अब इसको रिलेट करवाना है, एक फॉर्मूला निकालना है। इट इज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया कि किसी भी पाइप में से कोई पाइप दे रखी है, इस पाइप का रेडियस कितना बच्चों आर है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस दोनों एंड के बीच में दे दिया बच्चों पी। लेंथ दे दी इस रोड की कितनी है एल पाइप की, और कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी दे दिया बच्चों ईटा। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी क्या दे दिया, ईटा। कहता फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर ईटा एल एंड आर विद रेट फ्लो, इसके साथ रिलेशन निकालिए। तो जब भी बेटे चार फिजिकल क्वांटिटीज एक साथ दे रखी है तो कोशिश कीजिए दो फिजिकल क्वांटिटी को कॉमन लिख लीजिए आप, ठीक है ना, इकट्ठा एक उसकी पावर एक दिखा दी ताकि आप आसानी से कर सके, नहीं तो अदरवाइज वेरिएबल ज्यादा हो जाएंगे, इक्वेशन कम हो जाएंगे तो उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या लिख लिया, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख दिया बच्चे इसको, पी बाई एल, इसको मैंने एक टर्म मान लिया। आप किसी भी को भी एक टर्म ले सकते हो और P by L को मैंने एक टर्म मान लिया। P by L इकट्ठा है, प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे इसको, प्रेशर ग्रेडियंट। एक टर्म ले लिया वैसे मैंने ईटा और एक टर्म ले लिया मैंने R। तो इसकी पावर मान लिया बच्चों A है, इसकी B और इसकी क्या मान ली C है। तो कैसे रिलेशन बनेगा हमारा, फॉर्मूला आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, वो हम देखना चाहते हैं। कॉन्स्टेंट इसमें भी रहेगा, ध्यान रखें एक बात आप, और कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी है डायमेंशनलेस होगा वो। तो ये टर्म आ जाए एल थ्री टी माइनस वन, प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है एम एल माइनस टू टी माइनस टू ए पावर ईटा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन बी, और लेंथ आएगी सी। तो ये आ जाएगा एम जीरो एल थ्री टी माइनस वन, और यहां आ जाएगा बच्चे एम को एक पावर इकट्ठी कीजिए ए प्लस बी, एल की पावर इकट्ठी कर लीजिए माइनस टू ए माइनस बी, और टी की पावर भी इकट्ठी कर लीजिए बच्चों माइनस टू ए माइनस बी, एक यहां से आ गया प्लस सी। एम की पावर यहां से बन गई ए, यहां से बन गई बी ए प्लस बी, एल की पावर बन गई बच्चे माइनस टू ए माइनस बी और प्लस सी, और टाइम का बन गया टी की पावर माइनस टू ए माइनस बी। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोलते एम की पावर आ गई बच्चों, दोनों कंपेयर करने पर ए प्लस बी की पावर आ गई जीरो। दूसरा कंपैरिजन है कि माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू थ्री, और तीसरा रिलेशन है ये देखो यहां से आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस बी, ए की वैल्यू माइनस बी की आ गई, और लास्ट आ जाएगा माइनस टू ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके आएगा माइनस वन के। तो 2a प्लस बी आ जाएगा बच्चों 1, a और b बराबर हैं तो b की जगह माइनस a रख देंगे, तो 2a माइनस a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1, a की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1, a की वैल्यू 1 पुट कीजिए माइनस 2, b की वैल्यू माइनस पुट कीजिए माइनस माइनस प्लस,
प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, सी की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू 3, ये बच गया माइनस 1, तो सी की वैल्यू आ गई बच्चों 4, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो रेट कॉन्स्टेंट जो आएगा रेट फ्लो इस प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट को कुछ भी के मान लो, इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका नहीं होगा, ऐसे दिखा दीजिए इसको। और ए, ए की वैल्यू आई है प्लस 1, तो पी बाई एल रेज टू पावर ए था, तो ए की वैल्यू पावर होगी बच्चे 1। ईटा, ईटा की पावर बी, बी आया है माइनस 1। एंड नेक्स्ट वन इज आर, आर है सी दैट इज पावर 4, तो ये आ जाए बच्चे के पी बाई एल, ईटा नीचे चला गया और आर की पावर 4 यहाँ आ जाएगी। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट फ्लो। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी को ये जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे, और डायमेंशनल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन पार्ट था वो आज हमारा पूरा हो जाता है। इसकी एप्लीकेशन हमें तो 4 उन्होंने बताई, जैसे फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हो, रिलेशन करेक्ट है डायमेंशनल नहीं है वो पता कर सकते हो, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हो, और किसी भी अनोन फिजिकल क्वांटिटी का को आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये एक इसका मेन वो एप्लीकेशन थी। बट देर आर टू वेरी वेरी बेसिक लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। द फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट कि आप इस डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर मान लिया कोई एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है, जैसे मैंने बताया था एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर है, तो इस टाइप के फॉर्मूला में बच्चे इसको डिराइव नहीं कर सकते इसके हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा प्लस के बाद मल्टीप्लाई में क्या फैक्टर था, यहाँ ऐड होगा या माइनस आएगा क्या आएगा, ठीक है, ये रास्ता। और एक लिमिटेशन इसकी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन कि ये डायमेंशनली रिलेशन तो बता देगा कि सही है गलत है, लेकिन न्यूमेरिकली वो रिलेशन सही है गलत है ये वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी को ये चैप्टर जो है इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, सारा का सारा पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप मेरे से शेयर कर सकते हैं साथ साथ में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर बच्चे हमारा होगा यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक हमारा रहता है एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस में सबसे पहले हम बेटे कुछ बेसिक सी बातें डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर बेसिक सी बातों पर लगाएंगे और एक लेक्चर लगाएंगे एरर पे। तो कोशिश रहेगी 2 लेक्चर और में हमारा ये फर्स्ट यूनिट कम्प्लीट हो जाएगा। ओके, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और अच्छा लगे तो जो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा ना लगे तो भी आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।